हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का पहला लेसन सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपने मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से इंट्रोडक्शन दिया है, चलो देखते हैं, लेसन को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है आपको, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा माइक्रो MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यानी स्मॉल इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड मैक्रो MACRO मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो यानी बड़ा इकोनॉमी। ठीक है, आपने ये दोनों टॉपिक्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड्स है माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों को इन्वेंट करने वाले, जो दोनों को पहले दुनिया के सामने लाने वाले जो है उनका नाम है रैग्नार फ्रिस्ट। ठीक है, यहाँ पे बुक में उन्होंने रैग्नार स्पीच के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी दिया है, पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रैग्नार स्पीच जो है उन्होंने पहली बार उनको ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको पहली बार दुनिया के सामने लाने का काम किया है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रैग्नार फ्रिस्ट का पूरा नाम भी दिया है, रैग्नार एंटोन किटिल फ्रिस्ट। ठीक है, पर आपको रैग्नार फ्रिस्ट इतना याद रखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है। ठीक है, और उन्होंने हिस्टोरिकल रिव्यू दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, अलग अलग हिस्टोरिकल रिव्यू दिया है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू जो है उसके ऊपर बहुत बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्या दिया है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखते माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वॉज डेवलप्ड फर्स्ट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है वो पहले डेवलप्ड हुई है। ठीक है, इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, ए ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओरिजिन ऑफ दिस अप्रोच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल एक्सेट्रा। मतलब उसको स्टार्टिंग में जो है उसका ओरिजिन, मतलब उसकी शुरुआत स्टार्टिंग में की है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जेएस मिल इन्होंने। इट वॉज पॉपुलराइज बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इसको पॉपुलर किसने किया, तो पॉपुलर करने वाले हैं अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इनको अच्छी तरह याद रखो क्योंकि इनका नाम हर एक लेसन में आने वाला है, क्योंकि उनका जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो उन्होंने 1890 में पब्लिश किया है, उस बुक में उन्होंने हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, इसलिए इनका नाम हर एक लेसन में आता है, पर याद रखना ये अपने इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन्वेंट किया नहीं है। ठीक है, और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी नहीं है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्चुअली है एडम स्मिथ, यहाँ पे नाम दिया है आगे के नहीं देखते हम। ठीक है, पर आप याद रखिएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, आगे क्या दिया है, अदर इकोनॉमिक्स लाइक प्रोफेसर पिगाऊ, जे आर हिक्स, प्रोफेसर सैमुलसन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन एक्सेट्रा हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए ये जो और साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, पिगाऊ, हिक्स, सैमुलसन, जॉन रॉबिन्सन जो भी है, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है, मतलब उसका हिस्ट्री क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को इवोल्यूशन होने से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया था इन 16th एंड 17th सेंचुरी, मतलब 16वां और 17वें शतक में ही आया था। ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ मर्कंटलिस्ट, मतलब अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, मर्चेंट यानी व्यापारी होते हैं, व्यापार करने वाले लोग। ठीक है, तो उनका ग्रुप जो है उन्होंने क्या किया, अलोकेटेड पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट विच वेयर बेस्ड ऑन मैक्रो अप्रोच। मतलब मैक्रो अप्रोच पे जो भी बेस्ड है
ठीक है, उसको उन्होंने वो जो पॉलिसीज है उसको उन्होंने अलोकेट करने का काम किया। इन 18th सेंचुरी, अभी 18वीं शतक में क्या हुआ, फिजियोक्रैट्स जो के फ्रेंच थिंकर है, मतलब फ्रेंच विचारवंत बोल सकते हैं उसको, थिंकर मतलब विचार करने वाला, ठीक है, ट्राइड टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, मतलब उन्होंने नेशनल इनकम एंड नेशनल संपत्ति वेल्थ जो है उसका कंसेप्ट एनालाइज करने का पहली बार शुरुआत की, ठीक है। इवन द क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो एंड प्रोफेसर जेएस मिल डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, बट देयर मैक्रो एनालिसिस वॉज कंबाइंड विथ माइक्रो एनालिसिस, दस माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल्ड द ओल्ड सॉरी वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, मतलब 1930 तक उसका किसी ने अच्छी तरह एनालिसिस नहीं किया था, ठीक है। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन लॉर्ड जॉन मेनार्ड किन्स पब्लिश हिज फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 में क्या हुआ, तो ये जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक मेनार्ड किन्स इन्होंने पब्लिश किया, ठीक है। अभी ये किन्स यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच गोज टू लॉर्ड किन्स, मतलब ये जो क्रेडिट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच को डेवलप करने का वो जाता है किन्स को, ठीक है, ये जो इकोनॉमिस्ट है। बिसाइड्स किन्स, अभी किन्स के अलावा और किसने किसने ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को बड़ा करने में डेवलप करने में हिस्सा लिया है, तो किन्स के अलावा माल्थस है, विक्सेल, वालरस, इरविंग फिशर आर अदर इकोनॉमिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट इन्होंने भी हिस्सा लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बार आया है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री अभी तक आया नहीं है, ठीक है, आप पढ़ के रख सकते हैं उसको, ठीक है, डिटेल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली उसको पढ़ के रखिए क्या है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताना चाहूंगा कि 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, उसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करके, तो उसमें ए जो डेफिनेशंस वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो आपको पता है, माइक्रो यानी स्मॉल, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है, किसको स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब एक एक यूनिट्स का वो स्टडी करता है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर, ठीक है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, ठीक है। डेफिनेशन वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देख लीजिए क्या क्या डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन है, एक तो मॉरिस डॉब जी ने बताई है, दूसरी डेफिनेशन एपी लर्नर जी ने बनाई है, ठीक है। मॉरिस डॉब की डेफिनेशन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, मतलब माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा साइंस लैब में, 10वीं तक आपने आपके अगर साइंस लैब में आपने गए होंगे तो वहां पे एक माइक्रोस्कोप रहता है, मतलब ऐसा चीज जो जिसमें से कितना भी छोटा चीज रहेगा फिर भी वो जो माइक्रोस्कोप के अंदर बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, मतलब छोटे छोटे चीज का बड़ा पढ़ाई करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे हर एक छोटी चीज का, उसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा मॉरिस डॉग जी बोल रहे हैं, ठीक है। अभी एपी लर्नर क्या बोल रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे किसको, इकोनॉमी को, ठीक है। एज इट वेयर वी सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, तो उन्होंने यही बताया है, सेम जो मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप में बहुत छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी होके दिखती है, ठीक है। तो हम अगर एक छोटा सा प्लांट का मतलब एक पत्ती ले लिया,
किसी पेड़ का और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स से है हमें पता चलेगा एक पत्ती के अंदर भी। ठीक है, वैसे ही उन्होंने बोला है कि हम इकोनॉमी का भी बहुत सारे इकोनॉमी के जो सेल्स से, है ठीक है, हमारे बोलते हैं कि बॉडी के अंदर सेल रहते हैं, पेशी रहती है, ठीक है, तो उसको देख हम उसका पढ़ाई करेंगे, उसको देखेंगे किसके इकोनॉमी के, इकोनॉमी की जो बॉडी है उसके सेल्स को देखेंगे। द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल और फर्म्स एज प्रोड्यूसर दे प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द आइडिया ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उन्होंने यहां तक डेफिनेशंस वाला पार्ट बताया, डेफिनेशंस में वही बताया उन्होंने कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, हर एक छोटे छोटे भाग का स्टडी करेंगे, इकोनॉमी के जो पार्ट्स है जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म होता है, ठीक है, तो हर एक का छोटे छोटे पार्ट का, एक इंडस्ट्री का भी स्टडी करेंगे, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट का स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसका यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, आप खाली ये डायग्राम याद रखो, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं खाली डायग्राम से आपको बताऊंगा कि क्या है, अच्छी तरह समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्कोप में तीन टॉपिक दिए हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, तो हम जो भी वस्तु बनाएंगे, कहां पे बनाएंगे, कंपनी के अंदर, कारखाने के अंदर एक वस्तु बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो वस्तु है उसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, हम ऐसे ही डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ये जो छोटा सा डिब्बी है उसको उसके 500 रुपए दे दो, ऐसा कोई देगा नहीं, बराबर, तो उसका प्राइस हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो किसके ऊपर डिसाइड होता है, तो डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस पे वो डिपेंड है, बराबर, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस के ऊपर आगे जाके लेसन भी है हमारे यहाँ इस बुक में। ठीक है, तो डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस मतलब लोग जो है, कंज्यूमर जो है कितना डिमांड कर रहा है और उसको हम कितना सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि मैं इस वस्तु का प्राइस कितना रखूं, बराबर। सेकंड टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अभी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में क्या आएगा, पहले तो आप याद रखिएगा ये जो चार है, चार जो दिए हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये फैक्टर्स है, किसके फैक्टर है, प्रोडक्शन के फैक्टर है, उसके ऊपर भी एक लेसन है आगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करके, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने चार फैक्टर्स दिए है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो उसका थ्योरी क्या है, तो अभी रेंट किसको देना पड़ता है हमें, अगर समझो मैंने एक कंपनी चालू किया है, उस कंपनी को मैं किसी एक जगह पे बना रहा हूँ, वो जगह मेरा तो जगह नहीं है। ठीक है, तो जिस जगह पे मैं अपना कंपनी बना रहा हूँ उसको उस जगह का भाड़ा देना पड़ेगा, उसको रेंट बोलते हैं। अभी वेजेस यानी क्या है, अभी मैंने जिस जगह कंपनी बनाया है वहां पे मैं खुद तो काम नहीं करूंगा, किसी और को काम करने के लिए लगाऊंगा। ठीक है, तो वो जो काम करेंगे उसको लेबर्स बोलते हैं, तो उनको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, पगार देना पड़ेगा, उसको वेजेस बोलते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट क्या है, अभी मैं जो कंपनी बना रहा हूँ, अभी कंपनी बनाते समय मेरे पास इनिशियल कुछ तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं, कैपिटल रखने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं, अभी वो पैसा कहाँ से आएगा, तो मैं वो लोन से ले लूंगा किसी से या फिर बैंक से लोन उठाऊंगा, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं मुझे। ठीक है, वो यानी वो थर्ड फैक्टर है, और लास्ट वाला क्या है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है, एंटरप्रेन्योर यानी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो भी चीजें मैंने बताई अभी, क्योंकि वो ये जो चार फैक्टर्स के ऊपर जो भी मैंने अभी बताया वो आगे जाके हर एक लेसन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेंट किसको देना पड़ता है, लैंड का ये जो जगह है उसका मालिक को देना पड़ता है, वेजेस किसको देना पड़ता है, वेजेस यानी सैलरी, जो लेबर्स है कामगार है उनको देना पड़ता है, इंटरेस्ट यानी जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रॉफिट किसको देना पड़ता है, जो डायरेक्टर है कंपनी का। ठीक है, कंपनी को होलसेल मतलब जो भी मालिक उसको ए प्रॉफिट मिलता है, एक्चुअली मालिक नहीं बोल सकते एंटरप्रेन्योर को, प्रॉफिट एक्चुअली मिलता है एंटरप्रेन्योर को, यानी एंटरप्रेन्योर यानी वो पूरा संभालने का काम करता है। अभी हर एक कंपनी का मालिक तो वहां पे आके देखता नहीं, बराबर, उसका अलग से प्रॉफिट रहता है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला है, जो कि पूरा देखने वाला रहता है वहां पे।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में फिर से तीन टॉपिक्स दे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब इकोनॉमी का संपत्ति बढ़ाने का थ्योरी क्या है, क्या है तो इकोनॉमिक का संपत्ति कैसे बढ़ेगा। पहला पॉइंट दिया उन्होंने इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें इफिशियंसी होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। कोई हम जो चीज बना रहे हैं वो चीज ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, यानी इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफिशियंसी इन कंजप्शन, मतलब इफिशियंसी इन कंजप्शन मतलब कंज्यूम करना, मतलब इस्तेमाल करना। ठीक है, तो हमने जो चीज प्रोड्यूस किया अभी, ठीक है, तो वो चीज ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक तक उसको पहुंचाओ। ठीक है, और उसको अच्छी तरह वो वस्तु भी उसको दे दो और उसको अच्छी तरह अच्छी सर्विसेज भी दे दो। इसका मतलब होता है इफिशियंसी इन कंजप्शन। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी मतलब क्या होता है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, अभी हमें देखना है कि ये जो हमने प्रोड्यूस किया हुआ चीज है, जिस जिस लोगों तक हमने पहुंचाया उन लोग को पसंद तो आया कि नहीं। ठीक है, मतलब लोगों को भी पसंद आना जरूरी है, लोगों को भी अच्छा लगना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना, डायग्राम बनाना है, और मैंने अभी जो भी चीजें बताई है, जो भी बताया है वो आपको लिखना है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रुकते हैं। ठीक है, पहला वीडियो लेक्चर था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब इकोनॉमिक्स का ही पहला लेक्चर था ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।